Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की ट्रायल रोकने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड की फर्द जुर्म आयद ना करने की दरख्वास्तें भी खारिज हो गई। शरीफ खानदान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला महफूज, कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। नैब रेफरेंसेस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर रिटायर्ड एहतसाब अदालत में मौजूद। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हम तो वैसे ही डॉन हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिसिलियन माफिया अदालतों में पेश हो रहे हैं। मरियम नवाज का तंज, कहा सजा पहले सुनाई गई, ट्रायल बाद में हो रहा है। नवाज शरीफ इसी हफ्ते के आखिर या आइंदा हफ्ते मुल्क वापस आ जाएंगे। उसी तरह उजलत दिखाई जा रही है जैसे नवाज शरीफ को नाहिल करने में दिखाई गई। ना ट्रायल है, ना अपील है, ना कानून नजर आता है, लेकिन हिसाब लिया जा रहा है। क्या रोशनियां और सीपैक लाने का एहतसाब हो रहा है? सब जानते हैं एहतसाब नहीं, हिसाब लिया जा रहा है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की तनकीद, कहा निजाम अदल को यह जवाब तारीख में देना पड़ेगा। शाहनवाज रांझा की भी मुखालफिन पर तनकीद। यहाँ पे कुछ बंदर के हाथ में माचिस आ गई तो उसने पूरे जंगल को आग लगा दी। अच्छा, नवाज शरीफ ने अहलिया की अदालत के बाइस इस्तिस्ना मांगा। ये तासुर गलत है कि शरीफ खानदान एहतसाब के लिए पेश नहीं हो रहा। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, आबिद शेर अली ने कहा नून लीग ताखीरी हरबे इस्तेमाल नहीं कर रही, ख्वाजा हारिस का ना आना मजबूरी है, लीगी क्यादत अदालतों में सुरखरू हो। पाकिस्तान मुसलसल कर्जों में धंस रहा है, मुआशी ढांचा बोहरान दर बोहरान का शिकार है। हुकूमत टैक्स चोरों और मनी लॉन्ड्रिंग को तहफ्फुज़ दे रही है। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, कहा चोर सालाना 10 अरब मुल्क से बाहर भेजते हैं और सारा बोझ अवाम पर डाल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन नाअहली केस पर समाअत जारी। इमरान खान और जहांगीर तरीन के केस का फैसला एक साथ करेंगे। दोनों मुकदमात का गहराई से जायजा ले रहे हैं। गुज़श्ता रोज समाअत पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कंदील बलोच कत्ल केस में नामजद मुलजिम अब्दुल कवी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज अहाता अदालत से झंड फरार होते हुए गिरफ्तार किया गया था। फरार में मदद करने वाला तफ्तीशी अफसर भी पेश होगा। मर्दान में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई, कलदम तंजीम के दो दहशतगर्द गिरफ्तार, बारूदी मवाद बरामद। कोयटा में मशकी बाईपास पर CTD और हसास इदारों की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची में रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन, मेमन गोट में गैंग वॉर मुलजिम गफूर छोटू मुकाबले में हलाक, 2 साथी फरार, असलहा बरामद। पेशावर में मैट्रिक पास डॉक्टर इंसानी जानों से खेलने लगा। हयातबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मैट्रिक पास शख्स के सीनियर TMO तैनात होने का इंकशाफ। पाकिस्तान में स्नैपचैट पर खतरनाक गेम ब्लू व्हेल खेलने का इंकशाफ। अमरीकी इंटरपोल ने पाकिस्तानी इंटरपोल को आगाह कर दिया। 16 अक्टूबर को लाहौर से मुख्तलिफ टास्क पूरे करने की वीडियो और तस्वीर भी अरसाल। FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। अफगान सुबह कंधार एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। 2 खुदकुश हमलावरों ने फौजी अड्डे को निशाना बनाया। धमाकों में 40 फौजी हलाक। गैर मुल्की मीडिया का दावा, 24 फौजी जख्मी।